और परेल की घटना में किसने कोऑर्डिनेट किया, ऐसे कौन से दलाल थे और ऐसे कौन से लोग थे जिनकी चर्चा में बातें आई लेकिन इसको दबा दिया गया। मुंबईचे नवीन पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे एनसीबी केसचा पुन्हा एकदा तपास करत आहेत। या निर्णयाचं स्वागत आहे असं भाजप नेते मोहित कंबोज म्हणाले। या केसमध्ये सुनील पाटील, किरण गोसावी, नवाब मलिक ते शिवसेनेचा एक मंत्री, त्याचबरोबर काँग्रेसचे असे कोणते आमदार यात होते याचा तपास करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे। आज सुबह अखबार में एक स्टोरी है कि मुंबई के नए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने एनसीबी के अधिकारी जो क्रूज केस से जुड़े हुए थे और उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर जो एससीटी बनी थी जिसको पीछे रिपोर्ट आ रही थी कि बंद कर दिया गया, उसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। सुनील पाटिल से लेकर किरण गोसावी से लेकर प्रभाकर सहल तक, मियां नवाब मलिक से लेकर शिवसेना के एक मंत्री और एक बड़े उनके नेता, साथ ही साथ कांग्रेस के ऐसे कौन से आमदार और कौन से नेता और कौन से मंत्री, इनका पूरा केस में क्या रोल है और परेल की घटना में किसने कोऑर्डिनेट किया, ऐसे कौन से दलाल थे और ऐसे कौन से लोग थे जिनकी चर्चा में बातें आई लेकिन इसको दबा दिया गया, इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। क्यों नहीं कुछ लोगों के स्टेटमेंट हुए कोर्ट में, जो एफिडेविट डाला गया और जो सच्चाई है, क्या इसमें कुछ अंतर है? लोगों को सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त रहेगी हमारे नए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी से, आप इसमें एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज कीजिए। गुनहगारों को बिल्कुल बख्शा जाना नहीं चाहिए और मैं खुद चाहूंगा कि आप मुझे बुलाइए और मैं आपको जितने सबूत मेरे पास हैं, कैसे ये एक सलीम जावेद की स्टोरी बनाई गई, कौन कौन इसमें बड़े बड़े लोग जो अभी भी अधिवेशन में बैठे हुए हैं उनका क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।